Now, children, let's move on to the next chapter, which is chapter number 33, and the name is Classic Books. So, here we are going to learn about some classic books. How many of these classics have you read? You classics, you read books have you Read the clues and write the name of the books, and you can also choose from the Need Help box. सो फर्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो मिस्टीवियस बॉय ये बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा है हु कैन फ्लाई एंड रिफ्यूज टू ग्रो अप ये बच्चा उड़ सकता है और बढ़ना ऐसे नहीं है ये बड़ा नहीं होना चाहता द बुक डिस्क्राइब्स हिज एडवेंचर्स ऑन द आईलैंड ऑफ नेवरलैंड ये जो बुक है इसके जो भी एडवेंचर्स थे नेवरलैंड में उसको डिस्क्राइब करता है and इस बच्चे का नाम है इस बुक का नाम है पीटर पैन नेक्स्ट इज

इट इज़ अबाउट अ बोटिंग हॉलीडे शेयर बाई थ्री फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है ये एक बोटिंग हॉलीडे की स्टोरी है जो तीन फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं एंड एक डॉग शेयर कर रहा है दे गो डाउन रिवर थेम्स और ये लोग जो है रिवर थेम्स से जा रहे हैं फ्राम किंग्सटन टू ऑक्सफोर्ड जो किंगस्टन से ऑक्सफोर्ड तक जा रहे हैं एंड इसका नाम है थ्री मैन इन अ बोट तो सिमिलरली चिल्ड्रेन वॉट यू टू डू है नेम ऑफ दीज बुक्स दैटन फोर्थ वन इज इट इज नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाई अ हॉर्स ये जो बुक uh, है ये नरेट की गई है फर्स्ट पर्सन में एक हॉर्स के द्वारा अ बुक कंटेन्स लेसन हाउ टू ट्रीट लिविंग थिंग्स विद काइंडस सिंपती एंड रिस्पेक्ट ये बुक बताती है कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए काइंडनेस के साथ सिंपती और रिस्पेक्ट के साथ सो वॉट टू डू है नीड हेल्प बॉक्स इट इज़ अबाउट द एडवेंचर ऑफ अ मैन एट वेरियस प्लेसेस प्लेस लिलीपुट ये जो कहानी है ये एक मैन की है जो एडवेंटर एडवेंचर करता है लिलीपुट में जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे लोग रहते हैं ब्रॉडमिंगटन एंड लैंड ऑफ जाइंट्स ये एक जगह है जहाँ पे जाइंट्स रहते हैं लापूटा द फ्लाइंग आईलैंड एंड द कंट्री रूल बाई हॉर्स और ऐसी कंट्री जहाँ पे हॉर्स रूल करते हैं so what is the name of the book write it here this book is about a young man named david balfour ye jo book hai ek young man ki book hai jiska naam hai david balfour his wicked uncle first tries to kill him inke jo wicked uncle hai wo use marna chahte hain and when he fails steps up uh, sets up a plan to kidnap him तो जब वो अंकल उसे नहीं मार पाते इस बच्चे को तो वो अब प्लान बनाते हैं उसे किडनैप करने के लिए सो so, क्या नाम है इस बुक का राइट इट हियर। इट इज इन नॉवेल सेंचुरी इंग्लैंड ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो ट्वेल्थ सेंचुरी इंग्लैंड में बनाई गई थी द लेजेंडरी रॉबिन हुड इज अरेक्टर इन दिस नॉवल और इस नॉवेल में रॉबिन हुड एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं वॉट इज द नेम चिल्ड्रेन वॉट यू है नेम Of these books from this need help box.